हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी पर्सन्स के लिए। देखते हैं सितंबर 2022 आप सबके लिए कैसा रहेगा और क्या सारे मैसेजेस मुझे आपके लिए यहाँ मिलते हैं। मिथुन राशि, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन इस रीडिंग के बेसिस पे मत लीजिएगा, उसके लिए पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर मिथुन राशि। मिथुन राशि, सबसे पहले हम इस बार देखेंगे कि आपका मास्टर कार्ड क्या कहता है हमें सितंबर के महीने में। आपके लिए ओवरऑल एक एनर्जी अगर हम पूछें यूनिवर्स से तो वो क्या होगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि। मास्टर कार्ड फॉर मिथुन राशि, सितंबर 2022 का मास्टर कार्ड फॉर मिथुन राशि। All right, we have not for you. Number 6 आपके लिए significant हो सकता है मिथुन राशि। And okay, so एक बहुत clear cut message आ रहा है। शायद मिथुन राशि वालों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बट अगर आपके लिए ये मास्टर कार्ड आया है तो मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी। हो सकता है मिथुन राशि आप किसी एक ऐसी चीज पे फोकस बना के बैठे हैं या ऐसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड हैं अपनी लाइफ में जो शायद आपके लिए नहीं बनी है, बट आप बार बार उसकी तरफ जाकर के अपना सेम साइकिल रिपीट कर लेते हैं और वो चीज आपको कुछ फुलफिलमेंट दे भी नहीं रही है। ये कोई सिचुएशन हो सकती है। ये आप एक ऐसी सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी किस्मत में या आपकी डेस्टिनी में कोई काम करना नहीं लिखा है, आप बार बार उस काम को कर रहे हो, आप बार बार फेल हो रहे हो, बट आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यही करना है। सो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपके लिए उससे बेहतर काम रखा है। आप एक गलत डायरेक्शन में अपना फोकस लगा के बैठे हो, गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो मिथुन राशि, और उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हो सकता है कि आप वो काम कर रहे हो और वो काम ही आपको बार बार रिजेक्ट करके आप हार भी मान लेते हो, लेकिन अब आपको एक नया डायरेक्शन चूज करना है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स, बट आपका इतना एडिक्शन है उस काम से कि आप फिर से उधर जाते हो, फिर से सेम साइकिल रिपीट करते हो, फिर से थकते हो, फिर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि इधर जाओ, बट आप फिर से उधर जा रहे हो। ये कार्ड आपको कह रहा है सेप्टेम्बर में कुछ चीजें आपकी लाइफ से चली जाएंगी और ट्रस्ट मी वो चीजें होंगी जो आपके लिए बनाई ही नहीं गई हैं, जिनका और आपका साइकिल कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, बट वो आपके एडिक्शन और आपके ऑब्सेशंस हैं कि आप उन्हें नहीं छोड़ पा रहे हो। इसके अलावा इस कार्ड को मैं ऐसे भी देख रही हूं कि आपसे कहा जा रहा है आप ना बोलना सीखो। आप सारी चीजें करना चाहते हो खुद से मिथुन राशि, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि जो चीजें आप नहीं कर सकते एक इंडिविजुअल लेवल पे, आपकी भी एक लिमिटेशंस हैं, आपकी भी कुछ बाउंड्रीज हैं, अगर नहीं है तो आप बनाइए, बिकॉज वो होनी चाहिए एक पर्सनालिटी के अंदर। और फिर उन बाउंड्रीज के बाहर निकल के कुछ मत कीजिए, उस लिमिटेशंस के बाहर निकल के कुछ मत कीजिए। आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं ये हूं और मैं ये कर सकता हूं और दिस इज नॉट फॉर मी, ये मैं नहीं करूंगा या करूंगी। तो अपने आपको ना कहना है किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति में, बट आपको ना कहना का आर्ट सीखना पड़ेगा। बिकॉज वो पिंक का एक डायलॉग है ना कि आप कुछ नहीं करना चाह रहे फिर भी आप वही कर रहे हो, तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आप कैसी पर्सनालिटी हो जो आप कहते हो लोगों से, जो आपको समझ में आता है कि मैं ये नहीं करूंगा फिर भी आप वही कर रहे, क्यों? सो नॉट फॉर यू। यस, कुछ चीजें आपकी लाइफ से टाटा बाबाए हो रही हैं इस महीने मिथुन राशि, और उनके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान मत होना एंड ना कहने की आदत डालो और ना सुनने की भी आदत डालो, ठीक है? खैर, बहरहाल इस कार्ड का मतलब तो सिर्फ इतना है कि कुछ है जो आपके लिए नहीं है, वो आप छोड़ नहीं रहे हो, तो अब यूनिवर्स वो अपने अकॉर्डिंग आपसे छीन लेगा, कुछ परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर देगा वो कि अपने आप चीजें आपसे दूर हो जाएंगी, बिकॉज उन्होंने यूनिवर्स ने आपको बहुत मौके दिए होंगे, आप नहीं उन पे अब गिव अप कर रहे हो, तो यूनिवर्स ले लेगा फिर वो अपने हिसाब से काम करती है डेस्टिनी, फिर आपके मौके आपके कर्मा खत्म हो जाता है। तो आपने मेरे ख्याल से बहुत सारे
चॉइसेस ले ली, बहुत बार ट्राई कर दिया यूनिवर्स ने आपको चॉइसेस देके, बट आप उसको छोड़ नहीं रहे हो, अब यूनिवर्स खुद ले लेगा, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। लेट्स सी आपका करियर बिजनेस फाइनेंस सितंबर में कैसा रहेगा मिथुन राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर। अच्छा, 6 सितंबर को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 6 सितंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। करियर बिजनेस फाइनेंस में वी हैव 5 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, मैं दोनों ही कार्ड लूंगी, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। शायद ये नॉट फॉर यू, आप में से काफी लोगों के लिए आपकी करियर की स्थिति बता रहा है मुझे। यहाँ पे आपकी क्या फीलिंग रहेगी सितंबर में आपके करियर को लेकर के, तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे अपने करियर में, ठीक है। इट सीम्स कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, आपको लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपको चीट किया है, लोग आपको धोखा देके चले गए हैं, या जो प्रोजेक्ट्स आप चाहते थे कि आप उन्हें अर्न कर लेंगे वो आप नहीं कर पाए किसी वजह से। एक स्टकनेस रहेगी, खुशी नहीं रहेगी, दिमाग में नेगेटिविटी रह सकती है करियर बिजनेस को लेकर के कि काम बन नहीं रहे और लोग आपसे दूर जा रहे हैं। अगेन मैं आपको फिर कहूंगी कि आपके लिए मास्टर कार्ड नॉट फॉर यू है। अगर आप चाहते हैं मिथुन राशि अपने सितंबर को पॉजिटिव रखना, तो इन 3 कप्स की तरफ ध्यान ना देके इन 2 कप्स की तरफ ध्यान दीजिए जो आपके पास हैं, क्योंकि ये जो 3 कप आपको लग रहा है कि आप खुद की वजह से चले गए या किसी और ने आपके लिए ये नहीं प्रोवाइड कराया आपको 3 कप, बट एक्चुअली में ये डेस्टाइन है, ये 3 कप आपके थे ही नहीं, और जो आपका है ही नहीं उसके लिए कैसा रोना। तो बेसिकली ये जो आपका गिल्ट है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, ये आपकी खुद की सोच का नतीजा है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खोया है लाइफ में, आपने तो वो खोया है जो था ही नहीं आपका। तो लेकिन आपको ये शायद समझने में थोड़ा सा टाइम लगे। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स आप स्टक हो, आप अभी भी स्टक हो उस सिचुएशन में, आपको वही चाहिए बट वो निकल रहा है, वो जा रहा है, और सेम सिचुएशन दिख रही है वर्क प्लेस पे कि आप खुश नहीं हो इस चीज से कि कोई 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 साथ में काम करने वाला आपसे दूर जा रहा है, कोई पैसा तो नहीं कहूंगी पर हाँ, कोई सिचुएशन, कोई प्रोजेक्ट आपसे जा रहा है हाथ से, बिजनेस में आप वैसा नहीं कर पा रहे जैसा आपको लग रहा था कि हमको ये काम करना चाहिए। द रीजन इज कि वो काम आपको नहीं करना है, वो काम आपके लिए नहीं बना है, वो लोग आपके लिए नहीं बने हैं, बट आप उन लोगों में उलझे रहोगे और इसलिए डिसअपॉइंटेड रहोगे इस महीने, ठीक है। बट यहाँ जजमेंट की एनर्जी मुझे कह रही है कि आप प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपका ध्यान रख रहा है, उसे पता है कि आप ऑब्सेस्ड हो किसी चीज के लिए, बट वो चाहते हैं कि आपसे वो चीज, आप उन चीजों से निकलो। अब कब तक आप सेम साइकिल में घूमते रहोगे, मैंने बोला ना फिर यूनिवर्स अपना काम खुद करता है, वो खुद ही निकाल लेता है जिनको उनको निकालना होता है। सो वो फेज आपके करियर में दिख रही है। चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल, एंड एम्परर। सो फाइनेंसिस मुझे आपके काफी बेटर दिख रहे हैं। अगर फाइनेंसिस में कोई डिलेज चल रहे थे, आप सोच रहे थे काम कब होगा, या पहले कभी आप एक चेंज हो रहा था आपकी लाइफ में, आपने नई जॉब ज्वाइन की थी, तो आप फाइनली जो है आपको आपके फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हो सकता है कि नई जॉब पे आपकी फर्स्ट सैलरी आए, तो थोड़े से डिलेज थे इस चीज में। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल ये स्लो हो रहा है आपके इनकम में, जो भी प्रॉफिट हो रहा है आपको ये स्लो है, थोड़ा डिले होगा इस काम में, लेकिन ये हो जाएगा और ये स्टेबल है तो आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट फाइनेंसेस, बस मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपकी परिस्थितियां खराब नहीं है, बस आपसे वो चीजें छीनी जा रही है जो आप, जिनसे आप अडिक्टेड हो, जो आपको लग रहा है मिथुन राशि की ये मेरी है, वो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, और कोई इशू नहीं है, आप प्रोटेक्टेड ही हो, सब बढ़िया ही हो रहा है। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन बनेगी सितंबर 2022 में।
स्ट्रेंथ, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ, टू ऑफ कप्स। सो मिथुन राशि, थोड़ा सा आपको आपके रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल रूटीन लाइफ से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा करेज दिखाना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। आसान नहीं है आपके रिलेशनशिप्स इस महीने आपके लिए। हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को, आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट कर रहे हो, तो आपको वेट करना पड़े। ये स्ट्रेंथ आ रहा है ना यहाँ पे, तो स्ट्रेंथ में आप देखोगे अगर, तो एक तरफ लायन है और दूसरी तरफ एक नॉर्मल फेस है और यहाँ पे एक लैम्प है। तो बेसिकली जो आप नहीं हो, आप अंदर ही अंदर शायद वीक हो रहे हो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के। आपके लिए खराब समय हो सकता है सितंबर में रिलेशनशिप्स में। आप चाहो आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, लेकिन वो शायद नहीं आ रहा। आपके लिए एक सेपरेशन आ सकता है इस महीने के अंदर थोड़े टाइम के लिए। उस पर्टिकुलर टाइम में या एक नॉर्मल साइकिल में आपको स्ट्रांग दिखना पड़ेगा। आप अंदर से कुछ भी फील करें, आप लोगों को वो फील नहीं करवा रहे हैं और स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं, सेल्फ वर्थ आपने पकड़ रखा है। थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है, बिकॉज लियो एनर्जी है, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट कब ईगो बन जाती है वो पता नहीं चलता। तो ईगो भी देख पा रही हूँ मैं आप लोगों के नेचर में, लेकिन आप झुक नहीं रहे। आप अंदर से परेशान हो सकते हो इस महीने, बट ऊपर से लोगों के सामने आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी ही रहोगे अपने लव लाइफ में। वी हैव हाई प्रिस्टेस, कुछ छुपा रहे हो, कुछ हाइड कर रहे हो, आपको पता है, आपका मन जानता है, और इसीलिए शायद वीक हो इंटरनली, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है मन में, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाओगे वो चीजें। आपको लगता है कोई आपको समझेगा नहीं, आप सिर्फ खुद जानते हो उन प्रॉब्लम्स को, या आपका भगवान जानता है या कोई डिवाइन पावर जानता है। हाई प्रिस्टेस, छुपा रहे हो, मून की एनर्जी है, घबराहट को लोगों को शो नहीं कर रहे हो, ये वाली एनर्जी दिख रही है। फिर कुछ दूसरे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सेंसिटिव हो, अपने रिश्तों को लेकर के बहुत सेंसिटिव हो। क्वीन ऑफ कप्स, सेपरेशन में हो सकते हो काफी लोग मिथुन राशि, और हीलिंग चाह रहे हो, अपने हीलिंग कर रहे हो। बट क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी क्वीन है जो खुद का ध्यान नहीं रखती, जैसे यहाँ स्ट्रेंथ आ रहा है ना कि वो सेल्फ वर्थी है, तो कुछ लोग तो ये हैं। दूसरे तरीके के जो लोग हैं वो खुद को ध्यान रखने की बजाय, खुद की पीस पे ध्यान रखने की बजाय सेंसिटिव है अपने लव वन को लेकर के, वो कैसे हैं, उन्होंने खाया खाया है नहीं, वो मेरे बिना क्या कर रहे हैं, इस चीज पे आपका ध्यान ज्यादा फोकस्ड रहेगा बजाय कि आप अपने आप पे ध्यान दो। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, जो कि सेपरेशन और वापस से रिकंसिलेशन की बात करता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, बार बार चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है, कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। अब जनरल रीडिंग है तो मैं श्योरिटी से यहाँ पे नहीं कह सकती कि एग्जैक्टली क्या चेंज आ रहा है, बट चेंज आ रहा है, ठीक है। एंड विथ दिस टू ऑफ कप्स, आप में से काफी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है और उसमें ये साइकिल्स आते ही रहते हैं, तो सेम चीज है आपकी लाइफ में कि आप एक बार 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 गुजर रहे हो किसी साइकिल से। एंड हाँ, रिकंसिलेशन के चांसेस हैं इस तरफ वाले डेक कार्ड्स में। तो अगर आप सेपरेशन में हो और अगर आप इस तरीके के रिलेशनशिप में हो जहाँ दोनों इक्वली एक दूसरे के साथ कंपेटिबल हो, इक्वली एक दूसरे को चाहते हो, तो बिल्कुल आपका रिकंसिलेशन होगा। लेकिन अगर कोई और इश्यूज हैं, कोई और प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, तो शायद वो रिकंसिलेशन ना हो। और अगर आपकी बहुत अच्छी बन रही थी तो लड़ाई भी हो सकती है, ठीक है, इस महीने। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपके रिलेशनशिप्स में। ऑलराइट,
नाउ लेट्स सी कि और क्या सब हो सकता है मिथुन राशि, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, सितंबर का महीना और क्या सब लेके आ रहा है आपके लिए। सिक्स चक्रा आर्केंजल मैट्रन, तो आपको किसी क्लैरिटी की जरूरत है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, या फिर आप शायद प्रैक्टिकली कोई डिसीजन ले सकते हो, बट किसी चीज के बारे में आपको सोचने समझने की जरूरत है। वी हैव हैप्पी फैमिली, सो यस, कोई फैमिली इवेंट, गेट टूगेदरनेस आपकी लाइफ में हो सकती है, आपकी फैमिली में हो सकती है, जहां आप सबसे मिले, सबसे मुलाकात हो, एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें मिथुन राशि अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, ऐसा यहाँ पे हो सकता है सितंबर के महीने में। नाउ लेट्स सी मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि। वी हैव फुल मून इन एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अगेन आपके पास स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आ रही थी और ये डिसअपॉइंटमेंट भी आ रहा है, तो दोनों ही स्टेट में मैं आपको यही कहूंगी कि मैं क्या कह रही हूँ, मतलब मूनोलॉजी से आपके लिए मैसेज है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप एग्जैक्टली क्या हैं, आप एक्चुअली में क्या हैं, शायद आप भी भूल गए हैं, लोगों को प्रेस करते करते आप खुद को भूल रहे हैं मिथुन राशि, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद को थोड़ा सा तराशिए और फिर जो आप हो वो यूनिवर्स को दिखाइए। वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सो डेफिनेटली कुछ अच्छा, कुछ न्यू आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा, बस आप बंधे मत रहो पुरानी चीजों से, बिकॉज जब तक आपका हाथ खाली नहीं होगा कोई नई चीज आके उसे भरेगी नहीं। सो तैयार हो जाओ कि कुछ चीजें जाएंगी लाइफ से और कुछ चीजें आ जाएंगी, सो पहले जाने दो, अगर पकड़े रखोगे तो हाथ ही नहीं खुल रहा ना, तो हाथ ही नहीं खुलेगा तो यूनिवर्स आपको कहाँ देंगे कोई नई चीज, ठीक है। एंड अपने आप को ध्यान रखो, आप क्या हो ध्यान रखो, बजाय कि आप दूसरों के लिए सेंसिटिव हो रहे हो। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ब्लेसिंग बाउल से क्या मैसेज आते हैं मिथुन राशि, सितंबर में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी, फर्स्ट जो कार्ड है आपके लिए वो है मैसेज, तो आपको किसी का कोई मैसेज मिल सकता है या कोई मैसेज में आपको कोई गुड न्यूज मिले, ऐसा हो सकता है। स्टेबिलिटी, तो हो सकता है कि कोई न्यू जॉब या जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे आपकी रीडिंग में दिख रही है, तो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। न्यूनेस ऑफ लाइफ, बिल्कुल न्यू मून है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग है, तो सब कुछ नया आपकी लाइफ में आ सकता है, हो सकता है। गिफ्ट्स, आपको गिफ्ट मिल सकते हैं किसी से। एंड क्लैरिटी, अगेन सिक्स चक्रा का कार्ड था यहाँ पे, सो कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, कुछ चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि हाँ ये ऐसे होना था, ये ऐसे हो रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू, होपफुली आपसे रेजोनेट होगा मिथुन राशि, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच एडिट देखने के लिए।